लेकिन पता है एक बात ध्यान रखना, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना भी थाली में भोजन लो वह पूरा साफ कर दो, उसमें कुछ भी अन्न का दाना छोड़ो मत। पर आजकल तो जब तक थाली में हम कुछ छोड़ते नहीं है ना, तब तक हमारी शान नहीं निकलती। लोगों की ऐसी सोच बन गई है कि थाली में जो हम लेते हैं भोजन, उसमें से अगर हम कुछ छोड़ेंगे नहीं तो लोग ये सोचेंगे क्या भूखा है क्या, सारा खा गया, पूरी थाली सफा कर दी। ना, ध्यान रखना हमेशा अन्न का कण कभी भी बर्बाद मत करना। महाराज हम ना इसलिए छोड़ते हैं कि हम अगर छोड़ देंगे ना तो वो जब बर्तन साफ होगा ना तो नाली में वो जाएगा ना, तो नाली में भी तो कीड़े हैं, उनको खाने को मिलेगा। ओहो, इतनी बड़ी भावना है तो तुम मतलब नाली के कीड़ों को खिलाना चाहते हो अपना झूठा। कुछ लोगों को तो हमने देखा है कि थाली में झूठा छूट जाता है तो अब कुत्ते को घर के बाहर डाल देते हैं, जो कई बार हमारी सर्वदेवमयी गौ माता आकर उसमें मुंह लगा देते हैं। हमारे डाले हुए उस झूठे अन्न में कितना पाप लगता है हमें। हम झूठा नहीं छोड़ेंगे तो ये बाहर के जानवर कैसे खाएंगे। अरे भाई, तो तुम मतलब अपना झूठा छोड़ोगे तभी उनको खिलाओगे, अगर तुमको खिलाना है तो झूठा नहीं अच्छा खिलाओ ना उनको। अगर तुमको खिलाना है तो अच्छा खिलाओ ना उनको। सभी माता बहनें इस बात को जानती हैं कि सबसे पहली रोटी गौ माता की और सबसे लास्ट की कुत्ते की होती है। खिलाना है तो साफ सुथरी खिलाओ ना, झूठा क्यों खिलाते हो। पर नहीं, आदत बन गई है, झूठा छोड़ने की आदत बन गई है। नेपाल देश के नगर सेठ नाम मोहन गोपाल खेतान, खेतान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक, इतने बड़े पैसे वाले कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, इतना सारा पैसा कि राजतंत्र के समय राजा के वक्त में राजा के यूं साथ में बैठ करके बातें करना, साथ में बैठ करके खाना खाना, और राजतंत्र जाने के बाद में प्रजातंत्र आने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नेपाल के उनके साथ में ऐसे बैठ करके रोजाना मुलाकात होना, रोजाना बातें होना, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े पैसे वाले। हमारी मुलाकात, हम साथ में बैठकर भोजन कर रहे थे। महाराज जी और लीजिए ना, और लीजिए ना। हमने कहा हाँ, हमको जरूरत होगी हम ले लेंगे, आप भी लीजिए। तो हमने देखा कि खेतान जी ने, मोहन गोपाल खेतान जी ने थाली में पूरा खाना रखवाया और खा रहे हैं, और खाते खाते थोड़ा सा खाया, आधे से ज्यादा छोड़ दिया। हमने देखा, हम पर तो नहीं रहा गया, हमने बोल दिया ये सही नहीं है, इस तरह से अन्न का अपमान होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे महाराज, अंदाज नहीं हो पाता है,
अब छूट जाता है झूठा तो छूट जाता है, कौन सी बड़ी बात है। ना ना, कोशिश करो नहीं छूटे। हाँ ठीक है ठीक है, करेंगे। फिर दोबारा समय आया, फिर हमने वही दृश्य देखा, फिर हमने टोका कि नहीं ऐसा मत कीजिए, झूठा मत छोड़िए, अगर आपको कम खाना है तो कम ही लीजिए ना। अरे हमने कहा आपका घर है, आप दो बार लेंगे, तीन बार लेंगे, चार बार लेंगे, जितनी बार आप लेंगे आपको मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कोई देगा नहीं। जो आप एक ही बार में थाली में इतना ले लेते हो और आधे से ज्यादा झूठा छोड़ते हो, कम लिया करो, फिर और ज्यादा खाने का मन हो तो दोबारा ले लो। महाराज वो आदत पड़ गई है ना, इसलिए आदत जाती नहीं है। अरे भाई आदत किसे कहते हैं? आदत उसे कहते हैं जो हम बनाते हैं। आदत किसे कहते हैं? जिसे हम बनाते हैं। आदत कोई अपने आप थोड़ी बनती है, हम बनाते हैं तभी तो। जैसे आप ये आदत आपने बनाई, ऐसे ही कम लेने की आदत बना लो। दो तीन बार समझाया, आखिर पता है क्या हुआ? बीमारी लगी, ऐसी बीमारी लगी कि नेपाल से दौड़कर इंडिया तक आ गई, कोई इलाज नहीं। आखिर में दौड़कर जाना पड़ा अमेरिका, अमेरिका से इलाज शुरू हुआ, और अमेरिका से जो इलाज शुरू हुआ वो इलाज ऐसा कि हर 15 दिन में अमेरिका बार बार जाना पड़ेगा, बीच में एक दो बार जाना पड़ जाए वो बात अलग, नहीं तो फिक्स 15 दिन में तो जाना ही पड़ेगा। और अमेरिका जाने पर जो इलाज शुरू हुआ उस डॉक्टर ने क्या इलाज किया, क्या परहेज बताया? खाना पीना बंद, खाना पीना बंद, केवल दो गोली, लंबी लंबी वाली होती है ना गोली, दो गोली और दो कैप्सूल सुबह शाम, बस इसके अलावा और कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर गलती से कुछ चला भी गया ना अंदर तो तुरंत जीवन लीला समाप्त। बहुत बड़े व्यापारी, अब बीमारी तो ऐसी लग गई, और दूसरी बीमारी कैसी लगी कि अपने शरीर से अपने तन से लोहा या चुंबकीय आकर्षण करने वाली जैसे मोबाइल वगैरह वो बिल्कुल सीधा सीधा छूना नहीं चाहिए। अगर जैसे ही कहीं भी किसी भी बॉडी के पार्ट से किसी भी बॉडी से कहीं भी छुप जाएगा तुरंत जीवन लीला समाप्त। हाथ में बीच में डॉक्टर ने अच्छे से कवर करके और ऊपर से मोबाइल बांधा हुआ है। ऐसे मोबाइल को बोलते हैं फलाने को कॉल कर दो, उसको मैसेज कर दो, तो मोबाइल काम करता है और हाथों से मोबाइल बंधा रहता है और हर 15 दिन में अमेरिका, हर 15 दिन में अमेरिका इलाज के लिए। अब छोड़ो, अब छोड़ो झूठा, दो गोली और दो कैप्सूल हैं, खाना तो है ही नहीं, दो गोली और दो कैप्सूल हैं, छोड़ो झूठा। दो गोली दो कैप्सूल अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि इस बात को याद रखना, आज हम अगर किसी भी व्यक्ति का, आज अगर हम किसी का भी अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, किसी की भी अगर बेइज्जती करते हैं, किसी को भी बुरा भला बोलते हैं, तो वो अपना बदला जरूर लेता है, लेता है कि नहीं लेता? आज हम किसी का भी अपमान करते हैं, किसी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वो अपमान का बदला लेता है ना? किसी का भी अपमान करने से वो अपमान का बदला लेता है। और जब हम अन्न देवता का अपमान कर रहे हैं, ध्यान देना, जब हम अन्न देवता का अपमान कर रहे हैं तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? लेंगे,
और वो भी पता है कैसे लेंगे। अन्य देवता जब अपने अपमान का बदला लेते हैं ना, जब तुम उनको झूठा छोड़ देते हो और वो नाली में गिरते हैं ना, तो अन्य देवता जो अपने अपमान का बदला लेते हैं वो ऐसा लेते हैं तरस जाओगे, एक एक अन्न के दाने के लिए तरस जाओगे। इसलिए ध्यान देना, अन्न का कण कभी भी बर्बाद मत करना। ठीक है, कभी गलती से हो जाए वो बात एक अलग है, लेकिन उस गलती को अपनी आदत मत बना लेना। ध्यान रखना, भूख है अगर दो की तो एक लो फिर दोबारा ले लेना, लेकिन भूख दो की है और दो में तीन ले लोगे तो झूठ तो छूटेगा ही छूटेगा। अपमान मत करना कभी अन्य का। ऐसे ही संत का क्षण, जो सच्चे संत होते हैं ना, जो सच्चे साधु होते हैं ना, उनका भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम लोग पता है क्या करते हैं, जहां हमें सच्चे संत मिल रहे हैं, बड़े आसानी से मिल रहे हैं, हम उनकी कीमत नहीं समझते, और जहां कोई नए महात्मा जी आते हैं तो बस हमने देखा महात्मा जी में तो थोड़ी ताकत सी लग रही है, थोड़ा शक्ति सी लग रही है, हाँ हाँ महात्मा जी, बाबा जरा हमारा हाथ देखो ना, जरा बताओ ना बाबा, वो काम तो बहुत अच्छा है, पैसा आता भी बहुत है, लेकिन ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, पता नहीं क्यों रुकता नहीं है, कोई उपाय बताओ ना थोड़ा सा। हाँ ना, ना, ना। भगवान के सच्चे भक्त से कभी भी इधर उधर की सांसारिक बातें मत करना, ये बता दो ये बता दो, कभी भी ऐसी बातें मत करना। अगर भगवान के सच्चे भक्त से कभी अगर कोई प्रश्न करना भी हो ना, कभी अगर कुछ पूछना भी हो ना, तो ये और ये मत पूछना, केवल एक प्रश्न करना, केवल एक बात पूछना कि भगवान कैसे मिलेंगे, मेरे ठाकुर कैसे मिलेंगे, बस ये पूछना। फालतू की बातें मत करना, क्योंकि संत का जो क्षण है ना, एक एक पल है ना, एक एक क्षण कीमती है, क्योंकि सच्चे संत महात्मा का जो तार होता है ना, वो हमेशा बंधा रहता है भगवान से। और अगर हमारे किसी भी कर्म की वजह से, हमारे किसी भी कार्य की वजह से अगर उनका वो कनेक्शन, अगर उनका वो संपर्क संबंध अगर टूट जाता है, तो उसका हमें कितना बड़ा पाप लगता है। इसलिए संत का क्षण कभी भी बर्बाद मत करना।